यूपी के बुलंदशहर में गैस जलाने के दौरान सिलेंडर से भयंकर विस्फोट हो गया। विस्फोट में झुलसने के कारण मां बेटा बुरी तरह से झुलस गए और दो मकानों की दीवार गिर गई। विस्फोट के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच कराकर कार्रवाई कराने का दावा कर रहे हैं। बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र की निवासी अनिता सैनी अपने पुत्र पंकज के साथ कमरे में रोजाना की तरह सो रही थी कि देर रात को पंकज ने जैसे ही गैस जलाई तो गैस के गुब्बार के साथ मकान में अचानक तेज विस्फोट हुआ और मां बेटा बुरी से झुलस गए। विस्फोट में अनिता सैनी और पड़ोसी राम भरोसे सैनी के मकान की दीवार गिर गई। अनिता सैनी के मकान में तरेट भी पड़ गई। गंभीर रूप से झुलसे मां बेटे को मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है भैया राम भरोसे। राम भरोसे जी, ये जो आप देख रहे हैं ये दीवारें फटी हैं, कैसे फटी हैं ये? ऐसा भैया, हमारा तो पूरा परिवार सोया हुआ था जी। उस टाइम पे 11 बजे की ये बात है जी। 11 बजे कोई भी जो जगा हुआ नहीं था, हारे थके सभा में है, अपने अपने जो सब सोजा हैं। और ये पता नहीं इसमें गैस का क्या प्रोसेसर बना, कोई गैस लीकेज रहेगी या खुली रहेगी ये तो हम कह नहीं सकते जी। ये तो परमात्मा जाने। बाकी जो है वो बच्चा है, वो तो ना तो बोल सकता जी और ना ही सुन सकता, और पैरों से भी विकलांग है वो जी। अब उसने भैया या तो जो जो खाना गर्म करने के लिए गैस चलाई हो या कोई बीड़ी लगाई हो, बीड़ी भी पीता हो जी, और बस उसी के उसमें ये ऐसा हादसा हो गया। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को वो सूचना दी, पहले 100 नंबर वाले आए जी, उसके बाद में वो अपनी इंक्वायरी करके ले गए जी। फिर इंक्वायरी करने के बाद में उन्होंने जो ये फिल्म बनाई और जो व्हाट्सअप कर दिया, उसके बाद में फिर ये जो इन्हें अस्पताल ले गए दोनों माँ बेटा को, ये झुलस गए ज्यादा इसमें आँच में, और अस्पताल वहाँ ले जाने के थाने ले जाने के बाद वहाँ इनका जो है लिखा पढ़ी करके फिर इन्हें सरकारी अस्पताल भेज दिया गया जी। सरकारी अस्पताल में से फिर ये आ गए वहाँ एप्लीकेशन जमा करके थाने में, और फिर भैया उसके बाद में जो उनकी टीम आई जी, जो कम से कम 15-16 आदमी थे पुलिस के, उनमें अधिकारी भी थे, और वो जो फिर यहाँ अपनी इंक्वायरी करके ले गए हैं। अब जो सभी उनके साथ पत्रकार रात भी आए और सवेरे भी पत्रकार आए हैं, वो अपनी अपनी कार्रवाई करके ले गए, पुलिस अपनी कार्रवाई करके ले गई है। सर, गुलावटी क्षेत्र में एक मकान में विस्फोट हुआ है जिसमें सर दो मकानों की दीवारें गिर गई, बताया जा रहा है माँ बेटी घायल है, सर क्या मामला है? नहीं, इसका भी आपने बताया कि पता चला है कि इसका कि यहाँ पर गुलावटी में एक मकान में विस्फोट हुआ है जिसमें कुछ लोग घायल बताया जा रहे हैं, कोई उसमें दिखवाया जा रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई इसको दिखवा कर, जो भी इस पर प्रशासन मदद कर सकता करेगा। सर, क्या पता चल पाया कि विस्फोट किस तरह? नहीं, इसको चेक करा के, जाँच करा के कराया जाएगा। ऐसा कोई उसमें ऐसी तथ्य जो प्रथम दृष्टया तो उसमें आ रहा है कि सिलेंडर है, लेकिन जो भी इसमें तथ्य होंगे दिखवा के ही बता पाएंगे।